से ही कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दोपहर में 12:15 बजे नामांकन भरेंगे राहुल गांधी और रायबरेली पहुंच चुके हैं। इससे पहले जब दिल्ली से रवाना हुए थे राहुल गांधी, तब भी न्यूज 18 ने आपको तस्वीर दिखाई। अब रायबरेली पहुंच चुके हैं और 12:15 बजे राहुल गांधी की ओर से नामांकन भरा जाएगा। तो आपको बता दें, आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर। और रायबरेली को लेकर अब कांग्रेस पार्टी चूंकि क्लियर कर चुकी है, चुनावी योद्धा के रूप में राहुल गांधी ही होंगे चुनावी मैदान में और उनके सामने रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह होंगे। इससे पहले पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा था, उनकी मां ने चुनाव लड़ा था और अब मां की सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही, इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, कन्नौज का आपने जिक्र किया, कन्नौज में ये भी बताया जा रहा है कि राहुल, तो अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुना। तो राहुल गांधी 12 बजे के बाद नामांकन भरने वाले हैं आज और इस वक्त पहुंच चुके हैं रायबरेली एयरपोर्ट पर, जिसकी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भरा जाएगा। 12:15 बजे के बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी आज रायबरेली सीट से। तो लगातार सस्पेंस जो बना हुआ था, संशय जो बना हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी योद्धा रायबरेली से चुन लिया गया है राहुल गांधी को और राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लगातार जिस तरीके से प्रचार भी चल रहा है, तो इस बीच नॉमिनेशन फाइल करते हुए आज राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि शायद वो अमेठी भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रायबरेली पहुंच रहे हैं। 12:15 बजे नामांकन उनकी ओर से भरा जाएगा। प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद रहेंगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज आपको एक जगह पर नजर आने वाले हैं रायबरेली में और इसके लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली। तो अपनी मां की विरासत को संभालते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार को सोनिया गांधी ने हरा दिया था, लेकिन इस बार इस सीट पर राहुल गांधी क्योंकि चुनावी मैदान में होंगे तो क्या वो भी ये कमाल कर पाएंगे, ये देखना होगा। कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिलने वाली है। तो नेक टू नेक फाइट होगी और यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह और उनके सामने होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी। लेकिन फिलहाल नामांकन भरने के लिए पहुंच गए हैं तो रायबरेली की जंग, रायबरेली की सीट पर जो लड़ाई है वो और ज्यादा दिलचस्प अब हो गई है राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद। और अभी की अगर बात करें तो अभी थोड़ी ही देर में नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये एयरपोर्ट की है जहां पर राहुल गांधी भी पहुंच गए और ये प्रियंका गांधी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी ये क्लियर कर चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी और अभी इस वक्त तस्वीरों में भी आप उन्हें देख रहे हैं। सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, लगातार
एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं और 12:15 बजे नामांकन भरा जाएगा। आपको बता दें यहां पर सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आपको नजर आने वाले हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंच गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। अशोक गहलोत भी पहुंच गए रायबरेली, तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के आज आपको नजर आने वाले हैं रायबरेली में। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल के नामांकन में पहुंच गए हैं, तो शक्ति प्रदर्शन आज आपको दिखने वाला है रायबरेली में। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है, सुबह से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर, ऑफिस पर हलचल देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, रायबरेली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी और आज नामांकन भरेंगे। तो राहुल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद रायबरेली की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। सोनिया गांधी पिछली बार यहां पर चुनावी मैदान में थी और एक बड़े अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार को सोनिया गांधी ने हराया था, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। लेकिन इस बार क्या राहुल ये कमाल कर पाएंगे? तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मैं कह रही हूं और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, प्लेन से उतर गए हैं, सोनिया गांधी उनकी मां उनके साथ मौजूद है। और ये सीट रायबरेली की सीट बेहद महत्वपूर्ण, ये सीट जिसे कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है और यहां पर चुनावी मैदान में राहुल गांधी को उतारा गया है। माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा जो सिक्योर सीट होगी वही राहुल गांधी को दी जाएगी, ऐसे में अब चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं, आज नामांकन भरने वाले, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो 12 बजे के बाद नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, 12:15 बजे का वक्त है और उससे पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता आज आपको यहां पर नजर आने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपनी बहन प्रियंका के साथ आप राहुल गांधी को देख सकते हैं और उनकी मां सोनिया गांधी भी साथ में मौजूद। तो काफी कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता आज आपको रायबरेली में दिखने वाले हैं, चाहे अशोक गहलोत की हम बात कर लें, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आपको एक मंच पर नजर आएंगे। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें रायबरेली एयरपोर्ट से आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जहां पर मां सोनिया के साथ राहुल गांधी पहुंच गए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली जहां पर आज नामांकन राहुल गांधी भरेंगे। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहन, रायबरेली एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कितनी देर में यहां से रवाना होंगे और क्या कुछ तैयारी है आज नामांकन से पहले, क्या बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी पार्टी के नेताओं का रहेगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस जो है बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आने की उम्मीद है। यहां से अभी इनका फुर्सतगंज से इनका काफिला जो है निकलेगा, भूमऊ गेस्ट हाउस आएगा और यहां से फिर ये लोग आएंगे केंद्रीय कार्यालय जहाँ पर हवन पूजन के बाद जो है ये लोग जुलूस के शक्ल में नामांकन आगे बढ़ेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं रायबरेली से जहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहन, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ और भी बड़े नेता आ सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के भी लगातार पहुंचने की जानकारी मिल रही है?
जी जानकारी यही मिल रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी रायबरेली पहुंचेंगे और नामांकन में साथ रहेंगे, लेकिन अभी उनके आने की पूरी संभावना है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम कांग्रेस ने रायबरेली के लिए अनाउंस किया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है लगातार नारेबाजी चल रही। अभी यही काफिला जो है जिनके जो सोनिया गांधी का आवास है भूईमऊ वहां पहुंचेगा, वहां पे एक बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो है ये राहुल गांधी और अपनी माँ सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ केंद्रीय कार्यालय जाएंगे, जहां पर हवन परंपरागत रूप से जो हवन पूजन का कार्यक्रम होता है वो किया जाएगा और उसके बाद ही वहां से जुलूस के सकल में ये लोग आएंगे और कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे। तो 12 बजे का समय है जब कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ये बताइए कि रायबरेली की जनता में कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को लगातार वो यहां से जिताती रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं, मांग यही की जा रही थी कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े, फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी का भी नाम का जिक्र हुआ, लेकिन जो अंतिम मोहर है वो राहुल गांधी के नाम पर लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। कल जब ये कयासों का दौर जो है कल देर रात तक चला, सुबह तक चला, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का नाम जब कांग्रेस ने अनाउंस किया उसके बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आया और कार्यकर्ता जो है उसमें जो जुटे हुए हैं नामांकन की तैयारी में। जी तो कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, या फिर ये कहा जाए क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतेगी और बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर की गई, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा वक्त लिया अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने के लिए, अब राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद में ये मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? बिल्कुल दिलचस्प होगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है और लगातार पिछले 2-3 चुनावों में देखा गया है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है जीतने का जो ग्राफ है वो लगातार कम हुआ है। पिछली जो कांग्रेस की जो जीत थी वो केवल 2.5 लाख की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने भी ये चुनौती है कि वो अपने इस किले को बचाए, क्योंकि 2014 और 2019 में रायबरेली ही ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस जीती थी पूरे प्रदेश में, तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने किले को कैसे बचाती है, उसकी क्या रणनीति होती है। और बीजेपी तो इस बात से उत्साहित है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने वो राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने जो तैयारी करी है पिछले कई सालों से वो लगातार पब्लिक के बीच में है, उसको लेकर बीजेपी भी ये है लोकल वर्सेस बाहरी के दम पर चुनाव लड़ रही। जी तस्वीरें हम मोहन कृष्ण लगातार देख रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी, तीनों ही कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स, और साथ ही अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कुछ और भी बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में 12 बजे का जो करीब वक्त होगा वो होगा जब राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ऐसे में कृष्ण मोहन बताइए कि आज राहुल गांधी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है रायबरेली में, क्योंकि आप देखिए वक्त बहुत कम बचा है, 5वें फेज में मतदान होना है, बीजेपी के पास में कई सारे मुद्दे हैं जिनको वो भुनाने की कोशिश कर रही है, खास करके यूपी में कितना विकास हुआ है और साथ ही केंद्र सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी की ये पुश्तैनी सीट है, क्या इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जो जनता के सामने रख सकती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, बीजेपी ये मुद्दा जरूर सबके सामने रख रही है कि सोनिया गांधी जब 2019 के चुनाव में जीती थी उसके बाद से रायबरेली नहीं आई है, जो एक बड़ा बड़ा मुद्दा है कि जीतने के बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य आया नहीं। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी आई थी, उसके बाद जो है अभी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, उसके बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य रायबरेली नहीं आया, तो इस मुद्दे को भी बीजेपी यहाँ पे भुनाएगी। और जो विकास की जो योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। जी तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर प्लस पॉइंट, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये पुश्तैनी सीट है और बीजेपी के कई बड़े जो लीडर्स हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं और साथ ही जीत भी हासिल की है। ऐसे में रायबरेली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा प्यार दिया, समर्थन दिया और बड़ी जीत के साथ में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं
वो यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में इससे पहले सोनिया गांधी चुनावी मैदान में थी और अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, तो क्या वोटों में किसी तरह का कोई अंतर देखने को मिल सकता है, या फिर कहा जाए कि जितना प्यार सोनिया गांधी को यहाँ की जनता देती रही है उतना ही समर्थन राहुल गांधी को मिलेगा? जनता के किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे, जनता भी को ये लगता है कि राहुल गांधी को जीतना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस अपना ये गढ़ बचाएगी कैसे। लगातार राज्य मंत्री दिनेश सिंह ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, पब्लिक में अपनी बात रख रहे हैं, पब्लिक के बीच में है, और उनके साथ साथ उनके घर वाले भी जुटे हुए हैं, पार्टी भी जुटी हुई है। जबकि कांग्रेस ने बिल्कुल एंड समय पर अपना प्रत्याशी उतारा, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में भी असमंजस की स्थिति रही कि जब कांग्रेस अपना इसको गढ़ कहती है तो इतनी देर क्यों। तो इसका भी इस मोर्चे, इस सवाल का भी जवाब कांग्रेस को देना है कि आप अपने अपने घर में आपने क्या लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया या जो भी चीजें रही हूं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है जनता के बीच में कि आपने बिल्कुल आखिरी मौके पर नाम का ऐलान किया है। लेकिन